Hey friends, this is Alka Choudhury. Welcome to my YouTube channel Zindagi Live with Alka. दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी जो कि मुझे भी नहीं आती है और मैं बनाने से पहले YouTube पे सर्च करूंगी कि कैसे बनाते हैं और आज मैं वही बनाऊंगी क्योंकि मैं गलती से मशरूम उठा के ले आई हूँ और चार पांच दिन हो गए हैं फ्रिज में पड़े हुए हैं और अब मेरे को लग रहा है कि उसको बनाना ही पड़ेगा मुझे, अदरवाइज खराब हो जाएंगे वो और उनको फेंकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं उन्हें बना लूं। तो चलते हैं किचन में। चलिए लुक एट दिस, दिस इज माय किचन। तो अभी हम निकालेंगे फ्रिज से सबसे पहले मशरूम। आप देख सकते हैं मेरे फ्रिज में काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, फूल भरा हुआ है। नूडल्स बनाने के लिए यहाँ से मैं चिली सॉस और विनेगर और सोया सॉस वगैरह भी लेके आई हूँ। यहाँ पर मिल्क जो है इस तरीके की कैन में मिलता है और जूस भी इस तरीके की कैन में ही मिलता है। यही फ्रेश जूस है और यही फ्रेश मिल्क है और काफी सारा सामान पड़ा है। ब्रोकली पड़ी है, स्पिनच पड़ी है, कुकुम्बर है और ये रहे हमारे मशरूम। वैसे मैंने मम्मी से कॉल करके पूछ लिया है तो मम्मी ने बता दिया है कि नॉर्मल ही रेसिपी है। जैसे हम लोग कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं तो ग्रेवी बनाते हैं, मसाला पकाते हैं अच्छे से और फिर उसमें वेजिटेबल डाल देते हैं, तो उसी तरह ये भी उसी तरीके से ही बनेगी। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ यूट्यूब पे टिप्स देख लूँ ताकि ये बिगड़े ना। थोड़े टिप्स देख लेती हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने थोड़े से टिप्स देख लिए हैं फोन पर और अभी मैं ये मशरूम को वॉश करूंगी और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स चॉप कर दूंगी इसके साथ में डालने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं मशरूम दो प्याजा। अभी YouTube पे वीडियो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं मशरूम दो प्याजा बनाऊंगी। मैंने मशरूम और ये सारी कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर ली है, थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है और ये सारे मशरूम को चॉप कर लिया है, थोड़ी सी लहसुन ली है और प्याज को थोड़ा क्यूब्स में भी काटा है और थोड़े से बारीक प्याज भी काट लिए हैं और थोड़ी सी टमाटर प्यूरी भी तैयार करी है। तो अभी हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। मेरा सारा सामान रेडी हो गया है और अब गैस, सबसे पहले इन सारी वेजिटेबल्स को हमको फ्राई करना है। ऑयल लेंगे और पहले सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। इनको पहले इनको थोड़ा सा छोटे करना है, हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे इनको। ये फ्राई हो गए हैं ऑलमोस्ट और आप देख सकते हैं कि मशरूम में बहुत सारा मॉइस्चराइज़र होता है जो कि मशरूम से रिलीज़ हो गया है और अब हम इन्हें एक बाउल में ले लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेंगे और मैं ये रेसिपी आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करें, अगर अच्छी बन जाए तो आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, दो लौंग और थोड़े से तेज पत्ते और गार्लिक ऐड करेंगे अब इसमें। बारीक कटे हुए प्याज भी डालेंगे अब इसमें और अभी इन्हें अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज काफी अच्छे से पक गए हैं
और अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इस प्यूरी को भी अच्छे से पकाएंगे। आज का सरप्राइज़ ये है कि हम लोग साथ ही में बना रहे हैं गार्लिक बटर लच्छा पराठा, जिसका डो मैंने रेडी किया है और पराठे मेरे हस्बैंड बनाएंगे, श्रीमान मेरे बड़ी साहब। हमारे लच्छे पराठे की चपाती रेडी हो गई है और अब इस पे बटर और गार्लिक का पेस्ट स्प्रेड किया जा रहा है और अब इससे लच्छे बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये लच्छे बन गए हैं और अब इससे पेड़ा बनाया जा रहा है और अब इस पेड़े से हम बनाएंगे लच्छा पराठा जो कि काफ़ी अच्छा बनने वाला है क्योंकि मेरे बड़ी बना रहे हैं। और इधर हमारे टमाटर और प्याज भी पक गए हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। और इधर हमारा लच्छा पराठा भी सिक रहा है, काफ़ी अच्छा बन गया है, काफ़ी ज़्यादा लच्छे दिख रहे हैं इसमें। आप देखो कितना अच्छा बना है, कितना प्यारा नेक्स्ट बनाया वन है। इज ऑल्सो वाह, रेडी। हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो गई है और अब इसमें हम डालेंगे सारी वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखी थी पहले, और अब इसे अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जिससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे सब्जी में। अब इसे थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर ताकि अच्छे से पक जाए। लच्छे पराठे भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं सारे और हमारी सब्जी भी अच्छे से पक गई है और बन के तैयार है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जी को मैंने बाउल में निकाल लिया है और लच्छा पराठों को भी मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है और अब जल्दी से मैं खाने वाली हूँ इन्हें, क्योंकि ये देखने पे भी कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अब जल्दी से इसे खाया जाए और थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक मैं इन्हें ग्रहण कर लेती हूँ आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं, ये सब्जी काफ़ी अच्छी बनी है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनाई थी आज मैंने और खा के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और अभी थोड़ा इवनिंग हो गया है तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो हम लोग अभी पीछे गार्डन में आ गए हैं और कॉफ़ी बना ली है मैंने और अभी मैं यहाँ गार्डन में बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। यहाँ पर मुझे हमारी बॉल दिख गई है और अब इस बॉल के साथ ही हम लोग खेलने वाले हैं और मज़े करने वाले हैं इधर ही बैठ के। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। Thank you.
उधर जान दो ना प्लीज। ये आपका YouTube पे जाएगा बड़ी। होपफुली आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।